إن الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات صدق الله العظيم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال متى استعبدهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे अगस्त का महीना शुरू होता है, हमारे मुल्क में सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में एक उमंग और एक ताजगी पैदा होती है, इसलिए कि 15 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी की तारीख ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उसके पीछे कुर्बानियों की दास्तान है। तो लिहाजा जैसे ही ये महीना आता है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तारीख़ को दोबारा दोहराएं और उस तारीख़ को बार बार याद करने की कोशिश करें कि जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असराफ और अकाबिर ने इस मुल्क की तामीर में और इस मुल्क की आज़ादी में जो किरदार अदा किया है वो हमको पता चल सके और ख़ास तौर से हमारी आने वाली नस्ल इस बात से वाकिफ़ हो सके कि इस मुल्क के खातिर हमने और बहैसियत मजमूई तमाम हिंदुस्तानियों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी के नाम पर कितनी सऊबतों को, मशक्क़तों को और जेलों को झेला है। ये इसकी कम से कम मुख्तसर तारीख हमारे सामने होना ज़रूरी है। अलबत्ता उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया है इस्लाम के नाम पर, ये एक कामिल और मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा है। तो जहाँ कहीं भी तहरीक आज़ादी का लफ्ज़ आता है तो आज़ादी ये ज़िद है ग़ुलामी की, तो इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं ग़ुलामी रही होगी, तब जाकर आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत पेश आई। तो ये जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि इस्लाम इंसानों की ग़ुलामी और इंसानों की आज़ादी इससे मुताल्लिक़ क्या कहता है। तो सबसे पहली बात तो कुरान ने कई जगहों पर इसको वाज़ेह किया है। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, कि ए लोगों, तमाम इंसानों को खिताब है कि तुम डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है। तो बताया चला कि इंसान इंसान ही से पैदा हुआ है, किसी जानवर या बंदर की थ्योरी से नहीं पैदा हुआ, और वो जान और वो नफ्स है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, ये कुरान ने बताया है। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, यहाँ पर भी तमाम लोगों को खिताब है कि हमने तुमको मर्द बनाया, औरत बनाया। न मर्द बनने में कोई फजीलत है, न औरत होने में कोई नहूसत है, हमने तुमको बनाया है। इसी तरह हमने तुमको कबीलों में, ख़ानदानों में हमने तुमको बांटा है, क्यों? ताकि लितआरफू, ताकि तुम्हारा आपस में तारुफ हो सके। भाई अब्दुल्ला नाम के कई लोग हैं, तो कैसे अब्दुल्ला को पहचाना जाए? तो अब्दुल्ला को पहचाना जाएगा उसकी वल्दियत की वजह से और उसके ख़ानदानी या कबीले के नाम की वजह से उसका तारुफ होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जितने भी अलग अलग कबीले, ख़ानदान या अलग अलग कौमें ये बनाई है, ये हमने बनाई है। कोई कौम किसी से ऊंची, किसी से नीची नहीं है, जैसे कि हज्जतुल वदा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमीय्यिन वला अस्वद अला अबयद, कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। तो लिहाजा रंग और नस्ल की बुनियाद पर या कबीलों की बुनियाद पर या जात पात की बुनियाद पर इस्लाम में कोई तफरीक नहीं है, तमाम इंसान बराबर है। ऐसे ही इंसानों में कोई गुलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने सबको आज़ाद पैदा फरमाया है। इसी तरह अल्लाह ताला एक जगह पर फरमाते हैं, वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने आदम की नस्ल को बाइज़्ज़त बनाया है। तो गुलाम बाइज़्ज़त नहीं होता है, तो अल्लाह ने फरमाया पूरी आदम की नस्ल ये इकराम के काबिल है, एहतराम के काबिल है। तो लिहाजा हमारे यहाँ पर इंसानों की गुलामी का कोई तस्वुर नहीं मिलता है। बल्कि अगर आप देखें दुनिया की तारीख में, तो दुनिया की इस्लाम से पहले यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअसत से पहले से गुलामी चली आ रही है। जब एक कौम दूसरे कौम पर हमला करती तो उन लोगों के मर्दों को कत्ल कर दिया जाता आमतौर से, और औरतों को गुलाम बना दिया जाता, और गुलाम को इंसान की या एक जानवर की भी हैसियत हासिल नहीं थी, उसका कोई इख्तियार नहीं होता था, ना उसकी मर्जी का ना उसकी राय का, यहाँ तक कि उसको जीने का भी इख्तियार नहीं होता था। गुलामों की ये तारीख रही है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है कि जिसने इंसानों को आज़ाद कराने की बात कही है और मुख्तलिफ बहानों से आज़ाद कराने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर किसी ने कसम खा ली, उस कसम को पूरा नहीं कर सकता है, इस्लाम ने कहा गुलाम आज़ाद करो। और बहुत सारे कफ़ारे हैं जिसमें इस्लाम ने कहा कि गुलाम आज़ाद करो। तो मकसद क्या था कि गुलामी का खात्मा, गुलामी को ख़त्म कर देना, ये मकसद था। चुनांचे हुआ यही कि दीगर तमाम मज़ाहिब की तारीख आप उठा कर देखें और इस्लाम की तारीख उठा कर देखें कि इस्लाम ने गुलामों को क्या मर्तबा दिया। एक तो गुलामी को ख़त्म करने की बात कही है, यही आज़ाद करने के रास्ते से, और इसी तरह गुलामों को आज़ाद करने पर फ़ज़ाइल बयान किए गए। चुनांचे एक एक सहाबी के बारे में मिलता है कि उन्होंने 500-500, 1000-1000 गुलाम अपनी ज़िंदगियों में खरीद कर आज़ाद किए। तो गोया कि इस्लाम ने आज़ादी का खात्मा किया है, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की है। और फिर इस्लाम ने गुलामों को ये मर्तबा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम खाते हो वो अपने गुलाम को खिलाओ, जो तुम पहनते हो वो अपने गुलाम को पहनाओ। तो ये दर्जा गुलामों को इस्लाम ने दिया है। बल्कि एक बड़ा अजीब वाक़या मिलता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने का। ज़ाहिर है कि हज़रत उमर वो फारूक थे और वो इंसाफ के आलम बरदार थे। तो मिस्र फतह हुआ और मिस्र के गवर्नर है अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े सहाबी मिस्र के गवर्नर हैं। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शिकायत पहुँचती है कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बेटे ने एक आदमी को गुलाम बनाया है और उसको मारा है। ये शिकायत हज़रत उमर तक पहुंचती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बेटे को और गवर्नर बाप को मदीना बुलाते हैं पूछताछ के लिए कि तुमने एक गुलाम को मारा है या एक आदमी को गुलाम बनाया है, और उस गुलाम को भी साथ में बुलाया और अपने सामने अपना दुर्रा उस गुलाम के हाथ में दिया और उससे कहा कि इससे बदला लो। जिस बेटे ने इनको मारा था या जो भी जुल्म किया था, उसने इतने जोर से उसको दुर्रा मारा कि जख्म आ गया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अम्र बिन आस को भी दुर्रा मारो, हालांकि ये मिस्र के गवर्नर है, कहा कि इनको भी दुर्रा मारो, इसलिए कि इनके असर और रसूख की वजह से इनके बेटे के अंदर की हिम्मत हुई कि इन गुलाम पर जुल्म कर सके। तो लेकिन उसने मना किया कि नहीं, इनकी कोई खता नहीं थी, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता। तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अमर बिन आस को एक जुमला कहा, वो तारीखी जुमला था, और कहा मता इस्तअबदतुमुन नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने इंसानों को कब से गुलाम बनाना शुरू किया जबकि उनकी माओं ने उनको आज़ाद पैदा किया है। जब माओ ने इनको आजाद पैदा किया तो तुम कब से गुलाम बनाने लगे। कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर एक बड़े सहाबी को, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम में गुलामी का तस्वुर है ही नहीं, बल्कि उसके बाद की तारीख आप उठाकर देखें ताबईन और तबे ताबईन की, आमतौर से जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, हदीस की किताबें लिखी है, हदीसों को जमा किया है, बड़े बड़े उलमा और अपने वक्त के साहिब फजल जो बने हैं वो गुलाम लोग थे। आकाओं के पास इतना वक्त नहीं था कि इल्म हासिल कर सके, तो गुलामों को उन्होंने इल्म के हासिल करने में लगाया और फिर बाद में चलकर वो बड़े उलमा में, बड़े साहिब फजल लोगों में शुमार हुए हैं। बल्कि उसके बाद की हमारे मुल्क की तारीख भी उठाकर देखें तो बाकायदा गुलामों की सल्तनतें कायम हुई है हमारे मुल्कों में, जिनको सल्तनत ममालिक कहा जाता है कि गुलाम बादशाह बन गए। तो बहरहाल दुनिया से इस वक्त तो गुलामी का खात्मा हो चुका है, लेकिन उस खात्मे में सबसे बड़ा किरदार और रोल अगर है तो वो इस्लाम का और इस्लाम की तालीमात का है। सवाल ये है कि गुलामी आती कैसे है? इस्लाम ने इसको भी एड्रेस किया है, इसको भी बताया है। चुनांचे गुलामी आती है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अय्दिन नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फसाद जब बर्पा होता है, चाहे खुशी में, तरी में, जब भी फसाद बर्पा होता है वो इंसान के अपने आमाल और करतूत की वजह से होता है। चुनांचे जब भी मुसलमान या इंसान, कोई भी इंसान जब आमाल और किरदार के जवाल का शिकार हो जाता है, जब कोई कौम अपने कैरेक्टर को भूल जाती है और जवाल पसीर हो जाती है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला उनके ऊपर गुलामी को मुसल्लत करते हैं ताकि कि किसी तरीके से इस दलदल से और इस जवाल से ऊपर आ सके। इसके लिए अल्लाह ताला गुलामी को डालते हैं। जैसे कुरान करीम ने जिन कौमों की तारीख बयान की है, बनी इसराइल बहुत बड़ी कौम, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौम और उस जमाने की सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौम। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने बनी इसराइल को फजीलत अता फरमाई थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी बनी इसराइल में से हैं और ये वक्त के बादशाह बने। जाहिर है कि वक्त के बादशाह हैं तो उनकी कौम भी कहीं ना कहीं हुकूमत में शामिल है और उनका स्टेटस ज्यादा बड़ा है। लेकिन बाद में चलकर उसी मिस्र में हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि फिरौन को जाकर दावत दो, उसने सरकशी इख्तियार कर रखी है। तो एक मकसद फिरौन को दावत देना और दूसरा मकसद फिरौन के पास भेजे जाने का खुद कुरान ने बयान किया है कि अन अरसिल माई बनी इसराइल, कि बनी इसराइल को जो तुमने गुलाम बना दिया है उनको हमारे साथ वापस कर दो, वापस भेज दो। तो बनी इसराइल को गुलामी से छुड़ाना ये मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक मकसद था। तो एक कौम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुक्मरान कौम थी, वो फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गुलाम कैसे हो गई? तो जाहिर है कि ये गुलाम हुई है अपने आमाल और किरदार के जवाल की वजह से। जब आमाल खत्म हो जाते हैं, किरदार, अखलाक और मामलात में गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाती है, माशरत तबाह होती है, तो फिर वो कौम जवाल का और गुलामी का शिकार होती है। अब हम आते हैं हमारे, ये तो तस्वुर था गुलामी का और आज़ादी का इस्लाम की नज़र में। हमारे मुल्क की तारीख अगर हमें जानना है तो सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम मुसलमानों को किसी एक मुल्क का तस्वुर नहीं देता है, बल्कि इस्लाम पूरी उम्मत का तस्वुर देता है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुमको एतदाल वाली उम्मत बनाया है, एतदाल वाला मुल्क नहीं बनाया। तो इस्लाम का कोई मुल्क नहीं होता है, इस्लाम की उम्मत होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि यही वो इस्लाम का आलमी और यूनिवर्सल पैगाम और मैसेज था, जिसकी वजह से इस्लाम किसी मुल्क के साथ महदूद होकर नहीं रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाज में रहे, हिजाज के बाहर आपने एक आध ही कोई सफर किया या नबूवत से पहले सफर किया, लेकिन आपका जो मिशन था वो हिजाज में, अरब के एक छोटे से इलाके में था, लेकिन आपका पैगाम इतना वसी था कि आज दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए वहां पर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नजर आ जाएगा। तो इस वजह से इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इस्लाम किसी मुल्क का तस्वुर पेश नहीं करता है, बल्कि नेशन स्टेट से ऊपर उठकर, जाहिरी सरहदों से ऊपर उठकर इस्लाम एक उम्मत होने का तस्वुर पेश करता है। ये तो जंग अजीमों के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के बाद जाकर ये नेशन स्टेट्स दुनिया में बने हैं और जमहूरियत और डेमोक्रेसी के जरिए से हुकूमतें कायम हुई हैं। लेकिन बहरहाल इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है। तो अब तक की बातों का खुलासा ये है कि इस्लाम की नज़र में सारे इंसान ये आज़ाद है, कोई गुलाम नहीं है। दूसरी बात ये है कि गुलामी जब आती है तो फिर वो आमाल और किरदार और अखलाक के जवाल की वजह से गुलामी आती है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम ने इस बात का तस्वुर पेश किया है कि आदमी जब भी खुद गुलामी का शिकार हो या कोई कौम गुलामी का शिकार हो, चाहे कोई कौम हो, वह अगर गुलामी का शिकार हो तो उसको गुलामी से निकालना ये इस्लामी और दीनी फरीजे में दाखिल है। जैसे मैंने अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजे जाने का एक मकसद ही ये था कि बनी इसराइल को गुलामी से निकाल दिया जाए। तो लिहाजा हमारी तालीम ये है कि जब खुद गुलाम हो या किसी कौम को गुलामी में देखें तो उनको वहां से निकाल कर आज़ाद इंसान का स्टेटस उनको दिलाए, उनके बुनियादी हकूक और राइट्स दिलाए। ये इस्लाम की तालीम है और इस्लाम का फरीजा है। अब हम हमारे मुल्क की तारीख पर जब आते हैं तो गुज़श्ता साल भी हमने इस पर बात की थी। इस साल इरादा यह है कि थोड़ा सा और तफसील से उसको बयान किया जाए। चुनांचे हमारे मुल्क की तारीख में जब भी आज़ादी का तस्वुर आता है तो जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात आमतौर से कही जाती है कि अंग्रेज़ इस मुल्क में आए और उन्होंने यहाँ पर तसल्लुत कायम किया और जुल्म व सितम किया और फिर जाकर जो है हमने उनके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी थी। तो उसी ज़िम्न में जो एक बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ कहीं भी गुलामी होगी, जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये इस्लाम के फरीज़े में दाखिल है और जिहाद के मकासद में ये चीज़ दाखिल है। चुनांचे एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि शहीद कौन होगा? फरमाया कि मन कुतिला दून मालिही फहुव शहीद, मन कुतिला दून दमिही फहुव शहीद। कि जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद है, जो शख्स अपने जान की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद है। तो गर्ज ये कि अपने मुल्क को तसल्लुत से बचाना और उसमें अगर आदमी अपनी जान दे देता है तो इस्लाम की नज़र में भी वो शहादत के मरतबे और दर्जे को पहुँचता है। और फिर ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ पर इस मुल्क को अपना वतन बनाया है, तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज बाहर से आए इस वजह से उनके खिलाफ जंग हुई, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कौमें, मुसलमान भी आए इस मुल्क में, इसी तरह डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, मुख्तलिफ कौमें यहाँ पर आई और इस मुल्क की तहजीब ये थी और आज भी है कि हर आने वाले को अपने मुल्क में पनाह देना, जगह देना और जो मजलूम और मक़हूर लोग आ जाएं तो उन्हें यहाँ पर सहारा देना इस मुल्क की तहजीब में और इस मुल्क की फितरत में दाखिल है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि अंग्रेज बाहर से आए थे इस वजह से उनके खिलाफ जंग लड़नी पड़ी, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कौमें जो भी बाहर से आई और उन्होंने यहाँ पर जुल्म और सितम किया तो यहाँ की कौमों ने और ख़ास तौर से मुसलमानों ने उनके खिलाफ ऐलान जिहाद किया है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जब भी अंग्रेज़ों की तारीख का जिक्र करते हैं तो जाहिर है कि अंग्रेज़ जो इस मुल्क में आए हैं वो 17वीं सदी में आए हैं, 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ इस मुल्क में आए हैं, लेकिन हमको हमारी तारीख में 1555 या 1550 के आसपास के वाक़यात मिलते हैं जुनूबी हिंद के, साउथ इंडिया के वहाँ पर मुसलमानों ने, उलमा ने बाकायदा उस वक्त की जो पुर्तगीज़ वहाँ पर हुकूमत थी उनके खिलाफ ऐलान जिहाद किया था, आज़ादी की लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी थी और इस मुल्क से निकालने का उनका मुतालबा किया था। क्यों? इसलिए कि वो यहाँ आकर सिर्फ तिजारत के बिजनेस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहाँ के रहने वालों पर जुल्म सितम कर रहे थे और ईसाईयत की जबरदस्ती तबलीग कर रहे थे, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से 1550 के आसपास जो है उलमा ने केरला के पास उनके खिलाफ ऐलान जिहाद किया था। तो ये मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो महज किसी एक कौम के खिलाफ नहीं, बल्कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है जुल्म के खिलाफ। जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, जहाँ कहीं भी किसी को नीचा दिखाया जाएगा, जहाँ कहीं भी किसी को उसकी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पर हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। ये हमें इस्लाम तालीम देता है। फिलहाल अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारी आज़ादी की तहरीक थी, तो उसमें मुसलमानों का क्या किरदार था, इसको अगर समझना चाहें तो हमें इस तारीख को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि 17वीं सदी में 1600 के बाद अंग्रेज यहाँ पर आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं, सबसे पहले सूरत पहुँचे हैं और उस वक्त में मुगलिया सल्तनत का दौरा था और शाहजहाँ का ज़माना था, जिसके ज़माने में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें बनाई जा रही थी जो आज तक कायम है, उसका ज़माना था। तो उस वक्त में ये तिजारत के नाम पर यहाँ पर आए थे, लेकिन ये खूब समझ लेना चाहिए कि महज तिजारत की नीयत से यहाँ पर ये नहीं आए थे, बल्कि उस वक्त की जो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई थी और उनको जो यहाँ पर भेजा गया था, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया था, मतलब ये बात तारीख में नोट की हुई है, इस बात का ख्याल रखा गया था कि किसी शरीफ आदमी को इस कंपनी में दाखिल न किया जाए, बल्कि डाकू, रहजन और जो है चोर उचक्के किस्म के लोग कि जिनको हिंदुस्तान भेजा जाए। तो जाहिर है कि इस किस्म के लोगों को हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा था, वो भी मलिका की इजाज़त से, मलिका बरतानिया की इजाज़त से भेजा जा रहा था। तो किस वजह से? महज ट्रेड करने या महज बिजनेस करने के लिए नहीं भेजा जा रहा था, बल्कि बहुत कुछ प्लान देकर भेजा जा रहा था। लेकिन बहरहाल उस वक्त चूँकि मुगलिया सल्तनत पूरे तरीके से हावी थी और उसके बाद फिर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आता है, जो मुगलिया सल्तनत का उरूज और पीक का ज़माना कहलाता है, कि जो इस वक्त अखंड भारत की बात की जाती है, हकीकत में अखंड भारत पेश किया था औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने। इनकी बड़ी दास्तान और तारीख है, लेकिन 1707 में इनका भी इंतकाल हो जाता है। देखिए, एक बात और समझ लेना चाहिए दरमियान में, कि जितने भी मुसलमान हुक्मरान आए और उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमतें की, तो उनके सिलसिले में दो बातें समझना चाहिए। एक ये कि वो जितने भी हुक्मरान थे, चाहे वो जो है मुगलिया सल्तनत के हो या उससे पहले के हो, दिल्ली सल्तनत हो या फिर ममालिक की सल्तनत हो, या फिर जो है और जितने भी डायनेस्टीज आए हैं, जितने भी खानदानों ने मुसलमान होने की हैसियत से इस मुल्क पर जो हुकूमत की है, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि एक तो वो बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। जैसा मैंने अर्ज किया कि नेशन स्टेट्स नहीं थे। जो हिंदुस्तान की इस वक्त की सरहदें हैं, वो कोई सरहदें नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान पूरा काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक ये हिंदुस्तान शुमार किया जाता था, या ज़्यादा से ज़्यादा सिंध और हिंद ये फ़र्क किया जाता था। तो लिहाजा ये बाउंड्रियाँ नहीं थी जो आज हैं। तो लिहाजा अगर अफगानिस्तान से तो कोई बाबर अगर यहाँ पर आता है, तो वो जो है हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आ रहा है, इस बात को समझ लेना चाहिए। वो आक्रमणकारी नहीं थे, वो इन्वेडर्स नहीं थे, बल्कि वो इस मुल्क ही के बाशिंदे थे। इसी वजह से वो अंग्रेज़ों की तरह से वापस नहीं गए, बल्कि वो यहीं पर रहे, यहीं पर राज किया और यहीं पर बेहतरीन हुकूमतें की और यहीं पर आज भी दफन हुए हैं, यहीं पर आज भी उनके मकबरे और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इस बात की दलील है कि ये बाहर से आने वाले नहीं थे। इसी तरह इन्होंने यहाँ के माल और मता को लूट कर वहाँ नहीं भेजा अपने यहाँ पर, जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था, कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो हिंदुस्तान की जीडीपी उस वक्त 24 या 25% थी। जीडीपी का रेशो 24 या 25% था और जब यहाँ से गए हैं 1947 में, तब 2% GDP छोड़कर गए हैं, तो आप अंदाजा करें कितना लूटा होगा। और आज की तारीख में हमारा GDP तकरीबन 7% के आसपास है, तो आप अंदाजा करें कि उस वक्त की, खासतौर से औरंगजेब की हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त की दुनिया की जो जीडीपी थी उसका 1/3 हिस्सा अकेला हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता था। तो ये हाल था, सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। तो बहरहाल पहली बात ये है कि ये मुसलमान जो आए थे अफगानिस्तान की तरफ से, ये बाहर वाले नहीं थे, ये अंदर ही के लोग थे। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो हुकूमतें की, देखिए ये मुसलमान जरूर थे, ये मुसलमान जरूर थे, लेकिन हम इनकी हर चीज को और इनके हर अमल को और इनके हर फेल को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया। वो हुक्मरान थे, वो राजा थे, जैसे दूसरे हुक्मरान अच्छाइयाँ भी करते हैं, बुराइयाँ भी करते हैं, कहीं पर जुल्म भी करते हैं, कहीं पर इनाम भी देते हैं, ऐसे ही इनकी भी तारीख रही है। तो ये मुसलमान जरूर थे लेकिन इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं थे। तो लिहाजा किसी बात को, मिसाल के तौर पर औरंगजेब के किसी अमल को लेकर या अकबर के किसी अमल को लेकर ये कहा जाए कि देखो इन्होंने तो ऐसा किया और इस्लाम तो ऐसा कहता है, भाई वो निरे हुक्मरान थे, जैसे आजकल के हुक्मरान होते हैं, अच्छा बुरा सब करते हैं, ऐसे ही वो भी थे। इसी वजह से हम ये देखते हैं, बल्कि तारीख का ये एक अजीब सा अफसोसनाक बाब है कि मुगलिया सल्तनत के इतने बड़े बड़े बादशाह आए हैं, लेकिन इन बादशाहों में से किसी ने भी हिंदुस्तान से हज का फरीजा नहीं अंजाम दिया, हालांकि मालो मता की क्या कमी थी। तो इसी वजह से दूसरी बात ये अर्ज की है, ये मुसलमान जरूर थे लेकिन इस्लाम के नुमाइंदे नहीं थे। इनके हर अच्छे या बुरे काम का हम जस्टिफिकेशन देने के मुकल्लफ नहीं है। जो उन्होंने अच्छा किया वो अच्छा किया, जो बुरा किया वो बुरा किया, लेकिन बहरहाल मजमूई एतबार से उन्होंने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार और रोल अदा किया है। तो इन बातों को हम समझ लें, इंशाल्लाह फिर जो है हम अपने मुल्क की तारीख को बताएंगे कि अंग्रेज तो आए हैं 1600 के बाद से। तो लिहाजा एक तारीख जो है अंग्रेजों के एक पहली सदी उनकी बड़ी खामोशी से गुजरी है। 1707 में जब औरंगजेब का इंतकाल होता है उसके बाद से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू होता है। 1707 से लेकर आप 1799 तक एक दौर समझ सकते हैं कि ये हमारी आज़ादी का एक दौर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद 1800 यानी 19वीं सदी जब शुरू होती है तो 1803 में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। तो लिहाजा 1803 से लेकर 1857 का जो गदर हुआ ये तकरीबन 50-55 साल, इनकी एक अलग तारीख को समझना चाहिए कि इस वक्त में क्या हुआ। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक तकरीबन ये जो 90 साल का ज़माना है इसमें आज़ादी की एक अलग तहरीक चली थी। तो लिहाजा इन तीन ज़मानों को सामने रखते हुए वहाँ के तारीखी एतबार से हमें अपने मुल्क की आज़ादी को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में हमें अपने तारीख से भी वाकिफ करा दे, हमें अपने दीन से भी वाकिफ करा दे कि असल दीन है। जब दीन पर आएंगे तो फिर तमाम चीजें, जैसे मैंने अर्ज किया कि गुलामी जो है, बस्ती जो है कौमों में आती है, आमाल की कमी की वजह से आती है। तो अल्लाह करे कि हम सबसे पहले दीन पर सही मानों में चलने वाले और अमल करने वाले बन जाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को अमन और अमान का गहवारा बनाए और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों के लिए इस मुल्क में आज़ादी के साथ ईमान और आमाल की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।